सेना भर्ती में आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसके संकेत दिए हैं। जही साथियों, आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा जिनका एज खत्म हो गया है उनको सेना भर्ती रैली में शामिल नहीं किया जाएगा। देश में 3 साल से स्थगित सेना भर्ती रैली जल्द शुरू हो सकती है, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसके संकेत दिए हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कोविड की वजह से भर्ती के लिए युवाओं का आयु सीमा जिनका खत्म हो गया है उनको आयु में छूट नहीं मिलेगी। टून पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सेना की भर्ती कोविड के हालातों में सुधार होते ही होगी। उन्होंने कहा कि कोविड कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की वजह से भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट के सवाल पर मंत्री ने कहा कि युवाओं को भर्ती के लिए छूट की जरूरत नहीं है। सेना GD में भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष जबकि टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 वर्ष। इसके अलावा एजुकेशन हवलदार के लिए आयु सीमा 20 से 25 साल। मंत्री ने प्रदेश में वर्ष 2020 में आयोजित अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ BRO भर्ती रैली की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने का मामला संज्ञान में होने की बात कही। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेना भर्ती रैली खोलने पर एवं पूर्व भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी बहुत जल्द कराई जाएगी। साथियों, अब इसमें सवाल यह खड़ा हुआ कि सेना भर्ती रैली आयु सीमा में आपको छूट नहीं मिलेगी। जिन युवाओं का एज समाप्त हो गया है वो फिर से अपना तैयारी करें, उनको सेना भर्ती रैली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे युवा आस लगाए बैठे थे कि सेना भर्ती रैली में हमको एक बार फिर से जाने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेना भर्ती रैली में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। जिन युवाओं का एज रहेगा वही सेना भर्ती रैली में शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत।